हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 2 स्टैंडर्ड 8 अ सीक्रेट फॉर 2। वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज। एक दिन क्या होता है कि जो मैनेजर होता है मिल्क कंपनी का, वो कंपनी में आता है। क्यों? जो अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज है वो उसे इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट मतलब चेक और एग्जामिन। Pointing out to Pierre, Jacques said to him, उस जैक्विस ने पियर की तरफ पॉइंटिंग आउट करके कहा, Watch how he talks to that horse whom he calls Joseph। देखो कि वो अपने घोड़े से, जैसे वो जोसेफ बुलाता है, उसे वो कैसे बात करता है। See the look in the horse eyes। I think these two share a secret। उस घोड़े की आंख में देखो, हमें लगता है कि ये दोनों के बीच में कोई सीक्रेट है। Sometimes they seem to chuckle at us। New word है, chuckle means laugh quietly। As they go off on their route in the morning। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब वो सुबह अपने रूट पे जा रहे होते हैं तो वो हम पे हंसते हैं। Pierre is a good man, but he is getting old। Pierre वो अच्छा है, but वो अभी old हो रहा है, उसकी उम्र हो रही है। Don't you think he should be retired and given small pension? आपको नहीं लगता कि उसे अब retired होना चाहिए और उसे थोड़ा सा pension भी मिलना चाहिए? Of course, said the manager। Manager ने बोला कि हाँ, he has been on this route now for 30 years and not even once has there been a complaint against him। मैनेजर ने क्या बोला कि 30 years से, means 30 साल से ये स्ट्रीट पे पियर काम कर रहा है और इतने सालों में एक बार भी उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं आई है। Tell him it is time he should rest। उसे बोलो कि ये टाइम है, अब आपको आराम करना चाहिए। His सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम। उसने क्या बोला कि अभी जैसे सैलरी मिल रही है उसे उतना ही उसे पेंशन मिलेगा। बट पियर रिफ्यूज टू रिटायर। बट पियर ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे। यहाँ पे न्यू वर्ड है, बियर मीन्स टॉलरेट। उसे ये सोच के भी डर लगता था कि उसका जो होस्ट है जोसेफ, उसे वो ड्राइविंग नहीं कर सकता हर दिन। ही सेड टू जैक्विस, वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई, लेट अस वेयर आवर टुगेदर। उसने जैक्विस से क्या कहा कि हम दोनों ओल्ड मैन हैं, मतलब कि जोसेफ एंड पियर, लेट अस वेयर आवर, वेयर आउट मीन्स टायर्ड और गेट एग्जॉस्टेड। उसने क्या बोला कि हम दोनों को एक साथ टायर्ड होने दो, थकने दो। हम दोनों में जितना दम है हम जब तक कर सकते हैं उतना हम साथ में करेंगे। When Joseph is ready to retire, then I too will leave। उसने क्या बोला कि जैसे जोसेफ रिटायर्ड होने के लिए रेडी हो जाएगा और तभी मैं भी रिटायर्ड हो जाऊंगा। Jacques, who was a kind man, understand। जैक्विस जो अच्छा बंदा था, काइंड था, वो समझ गया कि क्या सिचुएशन थी। देयर वाज समथिंग अबाउट पियर एंड जोसेफ व्हिच मेड अ मैन स्माइल टेंडरली। यहाँ पे न्यू वर्ड है, टेंडरली मींस सॉफ्टली। वो समझ गया कि जोसेफ और पियर के बीच में कुछ है जो मनुष्य के फेस पे स्माइल ला सकता है। It was as though each drew some hidden strength from the other। कुछ ऐसा इन दोनों के बीच में था कि एक साथ में रह के काम करते थे और दोनों को एक साथ स्ट्रेंथ आती थी। When Pierre was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old। जब भी सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे जब पियर है वो अपनी सीट पे बैठता था और जोसेफ है वो वैगन से हिच, मतलब उसे वैगन से लगाया जाता था, तभी मालूम ही नहीं पड़ता था कि ये दोनों ओल्ड हो गए हैं। बट व्हेन दे फिनिश्ड देयर वर्क, पियर वुड लेट डाउन द स्ट्रीट।
जब उसका वर्क फिनिश हो जाता था वो मिल्क को डिलीवर करके वापस आते थे तभी पियर वुड लिव डाउन द स्ट्रीट। लिव डाउन मतलब टू वर्क विथ डिफिकल्टी, उसे चलने में भी तकलीफ होती थी। सीमिंग वेरी ओल्ड इंडियन, वो तभी वो ओल्ड दिखने लगता था। द हॉर्स हैड वुड ऑल्सो ड्रॉप, और जो जोसेफ है वो भी थक जाता था और उसका हेड है वो भी नीचे हो जाता था। एंड ही वुड वॉक वेरी वेयरली टू हिज स्टोर, वेयरली मतलब वेरी टाइट, और वो अपने अस्तबल में अपने तबेले में वो भी वो जैसे थका हुआ कैसे जाता है वैसे वो चल के जाता था। देन वन मॉर्निंग जेपी सेड अ ड्रेडफुल न्यूज फॉर पियर, अब एक सुबह एक मॉर्निंग में जेपी सेड अ ड्रेडफुल न्यूज, ड्रेडफुल मतलब वाज इन ग्रेट फियर, एक भयानक न्यूज था पियर के लिए। ही सेड पियर जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग, उसने पियर को बोला कि पियर जोसेफ आज सुबह नहीं उठा। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ही ओल्ड था पियर, यू नो ही वॉज 25 एंड दैट इज लाइक 75 फॉर मैन। उसने क्या बोला कि पियर जोसेफ की जो एज है वो 25 है और थोड़े की एज 25 है तो इज इक्वल टू मैन की कितनी आई होगी 75, तो अगर वर्स है वो 25 है तो मैन की आयु 75 है। Yes, Pierre said slowly. उसने धीरे से बोला हाँ आई एम 75, उसने क्या बोला कि मैं भी 75 हूँ। Now I shall never see him again, my poor Joseph. उसने क्या बोला कि अब मैं मेरे जोसेफ को वापस नहीं देख पाऊंगा कभी भी। Jacques patted Pierre on his shoulder. यहाँ पे न्यू वर्ड है patted, मतलब केवल जेंटल और फ्रेंडली टच। उसने पियर की पिक सॉफ्टली थप थप आई और बोला विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ। उसने क्या बोला कि हम जोसेफ जितना ही अच्छा हॉर्स है वो हम फाइंड करेंगे। व्हाई इन अ मंथ टाइम यू विल टीच हिम योर रूट, उसने क्या बोला कि जैसे तूने जोसेफ को सब रूट समझा दिया था वैसे ही तू इन अ मंथ यू विल टीच हिम योर रूट, अब दूसरे घोड़े को तो ये वही रूट आप सिखा लोगे। वेल बट ही स्टॉप व्हेन ही लुक्ड इनटू पियर्स आईज, वो आगे कुछ बोले उससे पहले उसने पियर की आंखों में देखा और वो स्टॉप हो गया। फोर इयर्स पियर हैड वोन अ हैवी कैप दैट द पिक ऑफ व्हिच केम लो ओवर हिज आईज, थोड़े साल से पियर एक हैवी कैप पहन रहा था और वो हैवी कैप की जो पीक होती है वो ऐसी उसके आंख के नीचे आ रही थी। सो नो वन कैन सी हिज आईज, नाउ व्हेन जेपी लुक्ड इनटू पियर्स आईज ही सॉ समथिंग व्हिच स्टार्टल्ड हिम, अभी जब जेपी ने उसकी पियर की आंखों में देखा तभी उसने देखा कि ऐसा कुछ है उसकी आंखों में व्हिच स्टार्टल्ड हिम, स्टार्टल्ड मतलब टू सरप्राइज सडनली इन शॉकिंग वे, जो उसे शॉकिंग लग रहा था। ही सो अ डेड लाइफलेस लुक इन देम, उसने क्या देखा कि पियर्स की जो आंखें हैं वो डेड लग रही थी, लाइफलेस लग रही थी। द आईज वर मिररिंग द ग्रिफ दैट वाज इन पियर्स हार्ट इन हिज शो, ये जो आंखें हैं जो डेड है और लाइफलेस है वो पियर्स का हार्ट है और जो सोल है वो उसका दुख वो उसमें झलक रहा था। इट वॉज एज दो हिज हार्ट एंड सोल हैज डाइड, उसे ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट और जो उसकी जो सोल है वो दोनों मर चुकी है। टेक डे ऑफ पियर चेकविस स्टे, चेकविस ने क्या कहा कि आज तो छुट्टी ले लो। But before Jeffries could complete his sentence, Pierre was already limping down the street. जैसे ही Jeffries ने बोला कि आज तुम छुट्टी ले लो, वो अपना sentence complete कर रहे, उससे पहले Pierre है वो street की तरफ लड़खड़ाते हुए चलने लगता है। Tears were streaming down his cheeks. उसकी जो पूरी आंखें हैं वो आंसुओं से भरी थी और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पे आ रहे थे। And he was
सॉबिंग मीन्स क्राई नॉइजली, और वो जोर जोर से रोने लगा. देयर वाज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक. इतने में ही वार्निंग येल मतलब अ शार्प लाउड होर्न सिग्नलाइज्ड पॉसिबल डेंजर. There was a warning yell from the driver of huge truck that was coming fast toward him. उतने में ही जब वो रो रहा था, उतने में एक huge truck का driver आ रहा था, जो उसकी तरफ आ रहा था और वो fastly आ रहा था. तो उसने warning yell मतलब एक चेतावनी दी, horn बजाए कि अगर peer को सुनाई दे तो वो हट जाए. And there was scream of brakes, but वो peer हटा नहीं. वो ट्रक के ड्राइवर ने उसे ब्रेक मारी, और ब्रेक मारने से कौन सी आवाज आती है, स्क्रीम आती है. तो वो जो जो ब्रेक की आवाज थी वो बहुत लाउड थी. बट इट अपीयर्ड दैट पियर हैड हर्ड नीदर, बट ऐसा लगा कि पियर ने वो सुना ही नहीं. 5 मिनट्स लेटर एन एम्बुलेंस डॉक्टर सेड ही इज डेड. 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस के डॉक्टर ने बोला कि ये तो मर चुका है. जैकविस एंड सेवरल ऑफ द मिल्क वैगन ड्राइवर हैड अराइव्ड बाय देन. उतने में ही जैकविस और उसके साथ जो काम कर रहे थे मिल्क वैगन ड्राइवर्स वो वहां पे पहुंच गए. दे लुक डाउन एट द स्टिल फिगर. वो वहां पे देख रहे थे कि क्या हुआ. आई कुडंट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक protested. Protested मतलब opposed. ट्रक ड्राइवर ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैं उसे हेल्प नहीं कर सकता, मैं उसे हेल्प नहीं कर पाया. He walked right into my truck. वो सीधा मेरे ट्रक के अंदर आ गए. He never saw it like this. मुझे लगता है कि उसने ट्रक आ रहा है वो देखा ही नहीं. He walked into it as though he were blind. वो ऐसे ही चल के आ रहा था कि जैसे कि वो blind है, वो अंधा है. The ambulance doctor bent down. ये सुनके ambulance के जो driver doctor है वो नीचे बैठ जाते हैं. Blind, he said, looking into Pierre's eyes. उसने क्या बोला? Blind है. तो उसने Pierre की आंखों में देखा. Of course, the man was blind. उसने बोला कि हाँ, the man was blind, ये व्यक्ति है वो अंधा था. See those cataracts. Cataracts मतलब a medical condition in which the lenses of eyes become opaque, resulting blurred vision, जिसे हम मोती बिंदु कहते हैं. तो वो इसके मोती बिंदु को देखो. See those cataracts. This man has been blind for 5 years. ये व्यक्ति है वो 5 साल से लग रहा है कि ये blind था. Then he turned to Jacques and said, "You say he worked for you. Didn't you know he was blind?" उसने क्या बोला? वो जैक्विस की तरफ घूमा, turn हुआ और उसने बोला कि you say he worked for you. आपने बोला था कि ये आपके लिए काम करता है, but आपको पता नहीं था कि वो blind है. नो नो जैकविस एक सॉफ्टली जैकविस ने बोला कि नहीं, हमें नहीं पता था. नन ऑफ अस न्यू. हम में से किसी को नहीं पता था कि पेयर वॉज ब्लैंक. देयर वॉज ओनली वन हु न्यू अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम जोसेफ. उसके एक ही फ्रेंड को पता था कि वो ब्लाइंड है और वो है जोसेफ. इट वॉज अ सीक्रेट. वो सीक्रेट था, ये रहस्य था. I think just between those two. मुझे लगता है कि वो दोनों के बीच में ये सीक्रेट था. So here we finished our lesson number 2 and the story of Pierre and Joseph. इसमें हमने क्या देखा कि Pierre और Joseph का बॉन्ड कितना अच्छा था, कि जोसेफ को किसी की डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं होती थी. वो अपने आप अपने रूट वो अपने आप चलता था, अपने आप टर्न होता था, कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं रुकना है उसे पता था. उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी इतनी जबरदस्त थी कि पियर है वो 5 साल से अंधा था, पर उन दोनों ने कभी ऐसा लगने नहीं दिया कि पियर है वो ब्लाइंड है. वो इतने फ्लॉलेसली क्लाम वॉक करते
वो पियर है वो 5 साल से अंधा है। एंड जब पियर को पता चला कि उसका फ्रेंड जोसेफ नहीं रहा तो उसी दिन वो मर जाता है। सो ये था उन दोनों के बीच का सीक्रेट। सो नाउ आई विल सेंड यू अ पीडीएफ एंड यू हैव टू सॉल्व इट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ